तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ निकॉन Z50 के सारे बटन्स एंड कंट्रोल्स के बारे में। वीडियो बहुत बेसिक है बट कई बार ऐसे होते हैं कि जो नए यूज़र्स होते हैं उनको बटन्स एंड कंट्रोल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको उसका यूज़ करना भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको निकॉन के Z50 के जो जितने भी बटन्स एंड कंट्रोल्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम इसके लेफ़्ट साइड से ही देखेंगे क्योंकि मैं इसको ऊपर नीचे ठीक है दाएं बाएं सब जगह का बताऊँगा मैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको एक माइक USB और एक HDMI का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये पोर्ट इसमें तीन पोर्ट देखने को मिलेंगे ठीक है। हेडफोन का ऑप्शन इसमें नहीं है। उसके बाद सबसे टॉप में चलते हैं। टॉप में यहाँ पे आपको एक मैनुअल फ्लैश ऑप्शन देखने को मिलता है ठीक है। एक लीवर है, अगर इसको आप आगे की ओर स्लाइड करते हो तो फ्लैश है वो पॉपअप हो जाएगा, जो कि आपको मैनुअली अपने हाथों से करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक पॉपअप नहीं होता है, जैसे बिगनर कैमरे में आता है ऐसा पॉपअप नहीं होता है, आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद जो बटन है वो है व्यू फाइंडर और मॉनिटर एडजस्टमेंट बटन। जैसे इसको प्रेस करते हो सबसे पहले देखिए ओनली मॉनिटर, मॉनिटर जैसे ही आएगा मतलब आपका व्यू फाइंडर का जो सेंसर है EVF का सेंसर बंद हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसका यूज़ आप कर सकते हो जब आप सिर्फ LCD पे वर्क करना चाहते हो, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक डिस्प्ले स्विच। इसका मतलब है कि जब भी आप अपने आँखों को अपने व्यूफाइंडर के क्लोज ले जाओगे वो लॉक हो जाएगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही दूर हटाओगे वैसे ही आपका क्या है LCD हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जैसे देखिए मैं अपने कैमरे के क्लोज लेके आ रहा हूँ तो वहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा सारा डिटेल। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका EVF ऑन हो गया और जैसे मैंने उसको हटाया दूर आपका LCD ऑन हो गया। एक और ऑप्शन है, जैसे इसको आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे क्या है ओनली व्यू फाइंडर का भी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो होगा इसमें सिर्फ आपका EVF ही चलेगा ठीक है, वहाँ पे आपका जो सेंसर है वो भी वर्क नहीं करेगा, LCD भी नहीं चलेगा, सिर्फ आपका EVF चलेगा। कई लोग होते हैं कि सिर्फ EVF में भी काम कर लेते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। एक और चीज़ मैं आपको सेंसर से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, कई बार इसमें डस्ट आ जाता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सेंसर है चार कोने का एक सेंसर दिख रहा है, उसमें लाइट बीपिंग कर रही होगी तो इसमें कई बार डस्ट जम जाता है। तो कई बार इसमें क्या होता है सेंसर वर्क नहीं कर रहा, तो धूल को साफ़ कर लीजिएगा कपड़े से, वो काम करने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट इस राइट साइड में देखेंगे तो एक आपको रोटेट कर्सर टाइप का दिखेगा। ये क्या होता है कि ये होता है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं या जिनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है पावर की, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप उनके आई एडजस्टमेंट मतलब वो एक्सपेक्स जो चश्मे पहनते ठीक है आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से व्यू फाइंडर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अंदर ग्लास होता है व्यू फाइंडर के, वो आगे और पीछे होता है, जिससे कि जो चश्मे पहनते लोग उसको एडजस्टमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चश्मा पहनते हो तब भी फोटोग्राफी करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप साइड में जैसे डायल दिया हुआ है, अलग अलग सेटिंग्स को आप डायल को रोटेट करके यूज़ कर सकते हो। ऑटो मोड है, मैनुअल, शटर, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो सारा यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखना हो सारे फंक्शन चेंज होंगे। आप इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, प्रोग्राम मोड यूज़ कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखो पॉप मोड यूज़ कर सकते हो, मैनुअल, मतलब जैसे डायल को घुमाओगे LCD में भी जो आपका जो ऑप्शन होगा वो चेंज होते रहेगा और वो सेटिंग उस समय अप्लाई होगी। तो डायल के जस्ट बगल में ही दिया हुआ है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का लीवर। मतलब जब आपको फ़ोटो शूट करना होगा या वीडियो शूट करना होगा सिंपली आपको लीवर को अप एंड डाउन करना है। आप फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी शूट नहीं कर सकते, वीडियो में फ़ोटो शूट नहीं कर सकते। हाँ फोटो शूट कर सकते हो लेकिन क्या होगा कि डिटेल्स और रेजोल्यूशन कम आएगा। एंड अगर आप थोड़ा क्लोज करके मैं दिखाऊँ तो जस्ट फोटोग्राफी जो यहाँ पर लोगो दिया उसके ऊपर कुछ छेद दिए, मतलब छेद टाइप का दिया हुआ है, मतलब वो स्पीकर है ठीक है। तो कैमरे का जो वॉल्यूम है वो वहीं से ही पास होता है ठीक है। सब डायल मोड रोटेट कर रहा था बट शटर स्पीड बढ़ नहीं रहती, एक्चुअली ऑटो मोड पे लगा हुआ था। तो वो जो बटन है वो है सब डायल, जिससे आप शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और काफ़ी सारे जो सेटिंग्स है उनको भी इसके माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप शटर डायल बोल सकते हो, सब डायल भी बोल सकते हो, काफ़ी सारे सेटिंग आप इसके माध्यम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा फ्रंट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने भी जेड सीरीज़ के कैमरे हैं उन कैमरों पे सारे में F1 और F2 का ऑप्शन है ठीक है। प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। F1 और F2
मैं आपको बता दूं, ये दोनों कस्टमाइज बटन है। इन कस्टमाइज बटन को कस्टमाइज करके आप काफ़ी सारी सेटिंग उसमें सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, दोनों ही की में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, F1 को जैसे आप प्रेस करते हो, इसमें वाइट बैलेंस है, कैल्विन, ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सारे ही जेड सीरीज़ में ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है, तो इससे आप अपने वाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और सब डायल से उसके मोड्स को चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मिलता है, और जैसे ही मैं F2 बटन को प्रेस करता हूँ, इसमें जो डिफ़ॉल्ट आता है वो फोकस मोड एंड फोकस एरिया मोड डिफ़ॉल्ट सेट आता है। तो ये दोनों बटन्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, और जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमाइजेशन कहां से होता है और कहां से इसको आप सेट कर सकते हो। उसके बाद सामने की ओर देखेंगे तो यहां पे अपर्चर डायल दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में अपर्चर वैल्यू को कम और ज़्यादा करते हो। मैं आपको थोड़ा लाइव दिखा देता हूँ। तो जैसे ही देखिए, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, आप लेंस में देखिए, ठीक है, अपर्चर डायल को मत देखिए, लेंस में देखिए। तो देखिए, जिसका होल है वो छोटा और बड़ा हो रहा है। तो इस अपर्चर डायल को जैसे ही आप रोटेट करते हो तो अपर्चर वाइड और नैरो होता है, ठीक है। और सामने दिया हुआ है एक छोटी सी लाइट, ये लाइट होता है ऑटो फोकस लाइट। जब कैमरा सामने लाइट डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो इस लाइट के थ्रू वो ऑटो फोकस काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी सेटिंग में चेंज कर दूं, देखना वो लाइट प्रॉपर वर्क करेगा। वैसे अगर मैं DSLR की बात करूं तो वहाँ पे वाइट या थोड़ी येल्लो शेड में जो लाइट होती है बीप करती है, बट यहाँ पे अगर मैं लाइटिंग की बात करूं तो जेड सीरीज़ में ग्रीन कलर का लाइट दिया हुआ है, जिससे कि वो अपने सब्जेक्ट को रीड करता है और ऑटो फोकस वर्क करता है। तो ये ऑटो फोकस कब वर्क करता है, वैसे कि मैंने DSLR में वीडियो बना रखा है, अगर मिररलेस में भी ये वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बना दूंगा। तो अब मैं अंधेरा कर देता हूँ, देखिए मैंने लेंस के सामने अंधेरा कर दिया। अब लेंस को या कैमरे को तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो क्या करता है, लाइट के माध्यम से अपने सब्जेक्ट पे फोकस करने को ट्राई करता है, ठीक है, लाइट वर्क कर रहा है, ओके है। एंड इधर लास्ट टॉप साइड में देखें तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बटन है, ये भी एक कस्टमाइज की है। और देखा जाए तो ना, 60-70% जो बटन्स दिए हुए ना, सारे कस्टमाइज है, उन सबको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग बटन्स है, ठीक है, जैसे प्रेस करता हूँ रिकॉर्डिंग और जैसे प्रेस करता हूँ स्टॉप, ठीक है। तो ये भी कस्टमाइज बटन है, इसको भी कस्टमाइज करते हो। जस्ट उसके बगल में ISO, तो यहाँ से जैसे आप बटन को प्रेस करते हो और सब डायल जो शटर स्पीड डायल है उसको आप रोटेट करोगे ना, तो अपर्चर वैल्यू देखिए प्लस हो रही है और माइनस हो रही है। और जस्ट उसके बगल में एक्सपोजर कंपनसेशन का बटन है, यहाँ से अगर आप प्लस में जाते हो, थोड़ा डार्कनेस है तो प्लस करोगे, और अगर थोड़ा ओवर एक्सपोज है फोटो तो थोड़ा डार्क माइनस में करोगे, तो कंपनसेशन का बटन है वो। उसके बाद जस्ट आगे की ओर यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है, कैमरा इस बटन से ऑन और ऑफ होता है। और बीच में दिया हुआ है शटर रिलीज बटन, ठीक है, शटर रिलीज एंड ऑटो फोकस बटन। इस बटन से आप अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो, और डबल प्रेस करोगे, मतलब ज़ोर से प्रेस करोगे तो फोटो क्या हो रिलीज, मतलब कैप्चर हो जाएगा, आपका इमेज कैप्चर हो जाएगा। इस बटन को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, सिर्फ इसको क्या है कि रिलीज बटन बना सकते हो, कि सिर्फ ये कैमरा फोटो कैप्चर करेगा, ठीक है, ऑटो फोकस नहीं करेगा। उसके लिए भी आगे जल्दी सेटिंग्स आएगी। और दोस्तों, सामने की ओर दिया हुआ है AEL AFL, इस बटन का मतलब है ऑटो एक्सपोजर लॉक, ऑटो फोकस लॉक। वैसे देखा जाए तो काफ़ी जगह ये बटन काम आता है, कि मान लीजिए कि आप एक ही जगह खड़े होकर फोटो शूट कर रहे हो और आपकी जो लाइटिंग है सब प्रॉपर सेट किया हुआ है, तो इसके माध्यम से भी आप ऑटो फोकस भी कर सकते हो, अपने फोकस और एक्सपोजर को लॉक कर सकते हो। अच्छा बटन है, बट ये भी कस्टमाइज बटन है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली अप डाउन लेफ्ट राइट कर्सर आ जाता है, ठीक है, बीच में ओके बटन आ जाता है, अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट और बीच में ओके, तो ये बटन है। तो जस्ट आप उसके बगल में नीचे देखेंगे तो आई बटन है। अब आई बटन क्या होता है, जितने भी जेड सीरीज़ है और आपके DSLR मिररलेस कैमरे है, आई बटन से आप शॉर्टकट्स मेन्यू को क्रिएट कर सकते हो, वो मेन्यूज, वो सेटिंग्स जो आपको रेगुलर बेस पे चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो। उसके जस्ट बगल में मेन्यू बटन, इस बटन को जैसे आप प्रेस करते हो आपके कैमरे की मेन्यू ओपन हो जाती है और अंदर जाके सेटिंग को चेंज कर सकते हो। उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो प्रीव्यू बटन है, लास्ट टाइम आपने फोटो क्लिक किया है, लास्ट टाइम आपने वीडियो क्लिक किया है, जो भी किया है तो लास्ट टाइम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। और जस्ट उसके बगल में डिलीट ऑप्शन देखने को मिलता है, और लास्ट टाइम पे आपने जो भी फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड किया है, फोटो कैप्चर किया है, उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सिंपली डिलीट बटन को दोबारा प्रेस करना और आपका जो डाटा होगा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे दिखता है ट्राइपॉड माउंट शू देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है। वैसे कैमरे की बैटरी और कार्ट एक ही जगह इंसर्ट होती है, मैं अभी लॉक खोल के आपको दिखाता हूँ, पता नहीं लॉक खुल क्यों नहीं रहा था, अच्छा खुल गया था, ओके। तो यहाँ पे देखिए बैटरी और जो मेमोरी कार्ड है वो एक ही जगह इंसर्ट होती है, ओके। तो
जब आप इसे ट्राइपॉड से माउंट करते हो ना तो ये रिमूवल हो जाती है। कई कैमरे में ऐसा होता है कि ट्राइपॉड से माउंट करने पे रिमूवल नहीं होती, बट ये हो जाता है। अगर ज़्यादा बड़ा ट्राइपॉड लगाओगे तो शो शायद ना हो। फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लेंस रिलीज एक बटन दिया हुआ है, जिसको प्रेस करते ही आपका जो लेंस है आगे की ओर करते हैं तो वो रिलीज़ हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वाइड टू वाइड पॉइंट करके हम फिर पीछे घुमाते हैं, साउंड आता है, लॉक हो जाता है, तो ये रिलीज़ की है। तो दोस्तों एक और लास्ट चीज़ यहाँ पे देखने को रह जाती है कि जो डिस्प्ले के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क और डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। प्लस माइनस से तो आप इजीली समझ जाओगे कि किसी फ़ोटो को जूम इन आउट आप कर सकते हो, फोटोग्राफी से पहले वीडियोग्राफ से पहले भी जूम इन आउट कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है कि कैमरे की सेटिंग्स में काफ़ी सारा ऑप्शन ऐसा है जो लोग समझ नहीं पाते कि सेटिंग्स किस बारे में है, तो क्वेश्चन मार्क बटन को प्रेस करोगे तो उसका मीनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले से आप ये कर सकते हो कि डिस्प्ले आपके कैमरे में कौन कौन सी, आपके LCD पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको शो होनी चाहिए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में अलग अलग इन्फॉर्मेशन शो होते हैं, आप खुद से ही देख लीजिए कि अगर मैं फोटोग्राफी में इसको टच करता हूं तो देखें डिस्प्ले की जो इन्फॉर्मेशन है। आप इसको DSLR की तरह भी यूज़ कर सकते हो। DSLR में क्या होता है, लाइव नहीं होता है, लाइव होता है तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिसिंग हो जाती है, तो इसमें भी बिल्कुल DSLR की तरह बना सकते हो। वीडियोग्राफी में भी डिस्प्ले का यूज़ करके आप काफ़ी सारे ऑप्शन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आज का जो निकॉन Z50 के जो बटन एंड कंट्रोल्स के बारे में जो वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई नया यूज़र ने इसको परचेज़ किया है तो उसको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछ लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे। तो चलिए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।